सफ़र तो आपने कई किए होंगे, मगर मेरे साथ मेरी नज़र से एक बार घूम के देखिए तो जनाब, सफ़र का मज़ा ही कुछ और आएगा। तो शुरू करते हैं शुरू से। जस्ट किडिंग, हम चले हैं दिवाली वेकेशन टूर पे। वैसे तो दिवाली घर पे ही मनाई जाती है, पर हम सबको इसी वक्त छुट्टी मिली तो हम निकल पड़े घूमने। ये सफ़र तो बहुत लंबा होगा, पर मैं आज के वीडियो में आपको कुछ ही बातें बता पाऊँगी। हम सबसे पहले शुरू करते हैं घर से। मैं सूरत में रहती हूँ, तो सूरत से हम बड़ौदा तक ट्रेन में आए, फिर बड़ौदा रेलवे स्टेशन से बड़ौदा एयरपोर्ट पर। वैसे तो हम मिडिल क्लास लोगों के लिए एयरपोर्ट पर घूमना ही किसी टूर से कम नहीं होता। मैं तो एयरपोर्ट पर कभी भी बोर नहीं होती हूँ, एयरपोर्ट का कोना कोना देख लेती हूँ। देखिए ये लिखा है, आई लव वडोदरा। एयरपोर्ट पे आके सब लोगों को देख के लगा कि हमारे जैसे भी कई लोग हैं जो घूमने के लिए निकले हैं। मैंने तो एयरपोर्ट पे बड़े मज़े किए, आपको ये वीडियो देख के पता ही चल जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा है, कुछ नया नया देखने को बहुत मिलता है हम जब बाहर जाते हैं। तो ये भी देखिए कितना अच्छा है, बस नज़र होनी चाहिए कुछ ना कुछ नया देखने के लिए। अभी हम आगे जाएंगे एयरपोर्ट पे। वैसे तो एयरपोर्ट पे कई सारी शॉप थी, पर मुझे ये शॉप अच्छी लगी। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी, देखिए 100 पीस है, मूर्तियाँ हैं, और वैसे डेकोरेशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। ये कुछ खिलौने भी हैं, लकड़ी के खिलौने हैं, प्यारे प्यारे गेम्स वगैरह सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए ऐसी शॉप थी ये। पर्स की वैरायटी तो देखिए एक से बढ़कर एक, लेने का मन करता है सबको देख के। मुझे सबसे ज़्यादा ये झुमके वाला पसंद आया, इसमें से भी एक ये वाला झुमका है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेने का मन किया था पर नहीं लिया। फिर ये कुछ 210 जैसा कुछ प्राइस था इसका। एयरपोर्ट पे हर चीज़ महंगी होती है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं लेती। रेयर प्लैनेट नाम है इस शॉप का, और ये अंदर के शॉपकीपर हैं। तो फिर चलिए आगे देखते हैं एयरपोर्ट पे क्या क्या है। घूमने का मज़ा तो आ रहा है ना आपको मेरे साथ, बस मैं तो यूं ही घूमती रहती हूँ और सब जगह एक्सप्लोर करती रहती हूँ। अब हम आ गए हैं प्लेन में, बैठ गए हैं। ये मेरी फैमिली है, प्यारी सी छोटी सी, और ये सब पैसेंजर बैठ गए हैं अपनी अपनी सीट पे। हमारी फ्लाइट रात की थी तो कुछ ज़्यादा बाहर दिखाई तो नहीं दिया, दिवाली चल रही थी, दिवाली के दिन ही हम निकले थे तो बाहर सिर्फ रोशनी दिखाई दी थी रात को, और वो भी देखने का मज़ा ही कुछ और था, बहुत अच्छा नज़ारा था। अभी हम पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट।
दिल्ली में रात को ही पेश पहुँचे थे हम, तो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं हम। अब तक का सफ़र तो बहुत ही अच्छा रहा और मुझे उम्मीद है कि आगे भी अच्छा ही होगा। बस ये सामान ले लिया हमने और अभी जा रहे हैं आगे एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए। ये एस्केलेटर की वजह से सामान को ज़्यादा उठाना नहीं पड़ता। अब तो बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे भी एस्केलेटर तो होता ही है। तो देखिए अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और यहाँ का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भाई, बढ़िया तो होगा ही। देखिए हाथों की मुद्राएं बनी हुई है और ये डेकोरेशन बहुत ही बढ़िया है। मन खुश हो गया यहाँ का नज़ारा देखते हुए। दिवाली चल रही है तो मतलब दिवाली का ही दिन है तो दिवाली की रंगत बाहर भी दिखाई देती है। सारे इंडिया में दिवाली का सेलिब्रेशन तो होता ही है और सब लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे। जिसको जहाँ पे अच्छा लगा वहाँ पे फ़ोटो खींच ली। ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, मयूर का स्टेचू जैसा है पर कलर कितना अच्छा है। पूरे एयरपोर्ट पे इसका ही नज़र, इस पे ही नज़र जाती है। देखिए कितना चमक रहा है, बहुत सुंदर है। गोल्डन और डार्क ब्लू कलर का, मतलब मोर पंख के कलर का। और ये तो बहुत ही बढ़िया है, सारे लोग वीडियो बना रहे हैं मेरे जैसे। सबको यादों के तौर पे कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। ये देखिए मुद्रा, हाथ की मुद्रा है, बहुत ही अच्छा है। ये प्लांट का कलर देखिए, एकदम लाइट ग्रीन, बहुत बढ़िया है। और इस तरफ दिवाली का स्पेशल डेकोरेशन किया है, हैप्पी दिवाली। देखिए सारे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, हैप्पी दिवाली टू ऑल। और मुझे दिल से सबको कहना है कि हैप्पी दिवाली टू माय यूट्यूब फैमिली, हैप्पी बिलेटेड दिवाली। तो सब नज़ारे तो आपने देख ही लिए दिल्ली के एयरपोर्ट के। अभी आगे भी जाऊंगी और मैं आपको वीडियो में बताती जाऊंगी। ये अभी हम आगे आ गए हैं स्टारबक्स कॉफी, फ़ोटो भी खींच लिया। मुझे ना प्लांट का बहुत शौक है तो मुझे ये बोनसाई प्लांट बहुत अच्छे लगे तो मैंने उसकी भी वीडियो बना ली। ये एयरपोर्ट पे ही शौक थी। देखिए बढ़िया बढ़िया बोनसाई प्लांट है। और दिवाली है तो दिवाली की लाइटिंग तो होनी थी। देखिए ना कितना अच्छा है लाइटिंग, देख के मन तो खुश हो गया था। और मैंने भी बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई है यहाँ पे। देखिए लाइटिंग कितनी अच्छी है ना दिवाली की लाइटिंग। देखिए मेरी फ़ोटो, मुझे ना फ़ोटो का बहुत ही शौक है एक तरह से। मैं जब भी मौका मिले अपनी सेल्फी तो ले ही लेती हूँ। और अभी हम आ गए हैं एयरपोर्ट से बाहर।
यहाँ से कैब करके हम अपने होटल जाएंगे। सब लोग भी जा रहे हैं अपने अपने रास्ते, और अभी हम पहुँच गए हैं अपने होटल। होटल का रूम भी बहुत ही बढ़िया है, देखिए अच्छा रूम मिला है हमें। आके सब सामान भी रख लिया, और अभी भी मेरा वीडियो शूटिंग चालू ही है। अभी थोड़ी देर के बाद सब सामान सही रख के फिर सो जाएंगे। तो अभी आगे मैं आपको दिल्ली भी घुमाऊँगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।